नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हम आपको आज एक और बहुत ही बेहतरीन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। किसान परिवार को मध्य प्रदेश सरकार यानी शिवराज सरकार एक और सौगात देने जा रही है। आपने पहले लाडली लक्ष्मी योजना का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अब इसी योजना की तर्ज पर लाडली बहना योजना का शुभारम्भ हो गया है। 8 मार्च से आवेदन एवं रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। 8 मार्च 2023 से इसके लिए क्या क्या पात्रता नियम है, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। अब वीडियो में बने रहे। शिवराज सरकार ने ये योजना नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर शुरू की है और इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार की गरीब बहनों को, वो चाहे किसी भी जाति की क्यों ना हो, उनको मिलेगा। तो इस योजना के बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, क्या मध्य प्रदेश शिवराज सरकार आपको पसंद है, उनके काम के तरीका आपको पसंद है। जी, आप देख सकते हैं शिवराज सरकार ने ये स्टेटमेंट ट्विटर पर भी जारी कर दिया है। सभी जगह सोशल साइट्स पर आप देख सकते हैं शिवराज सरकार ने किस तर्ज पर यह योजना शुरू की है और प्रत्येक माह इस योजना में जो भी पात्र हैं उनको 1000 रुपये महीना यानी कि 12000 रुपये साल के मिलेंगे। ये 8 मार्च से यह योजना शुरू हो रही है और इसके तहत जो भी, ये पूरी तरीके से अभी साइट्स पर डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन एक औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है कि 8 मार्च से ये योजना शुरू हो रही है और इस विशेष योजना के तहत एक सरकारी योजना है जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के माध्यम से राज्य में गरीब बहनों और लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करने की योजना बनाई है। सरकार ने अगले 5 साल में इस योजना में 60 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। यह योजना लाडली लक्ष्मी योजना के जैसी है। यहाँ सभी पात्र उम्मीदवारों को लाडली लक्ष्मी योजना के समान तरीके से वितरित किया जाएगा। सरकार ने MP लाडली बहना योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये देने की घोषणा की है। ये आप देख सकते हैं इस योजना की पूरी जानकारी 2023 में क्या क्या है, क्या ऑनलाइन है, क्या ऑफलाइन है। 8 मार्च से इसमें आवेदन शुरू होने जा रहे हैं और इस योजना का जो उद्देश्य, इस योजना के पीछे शिवराज सिंह चौहान का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत बहनों को हर महीने 1000 रुपये और 12000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। तो ये योजना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार ने बनाई है, शिवराज सरकार ने। इसकी विशेषता देख लीजिए, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 वर्ष में 60000 करोड़ रुपए की राशि पात्र बहनों के बीच आवंटित किए जाएगी और महिलाओं को आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना से मिलने वाली धनराशि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। ये योजना आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर बनाने का भी काम करेगी। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की बहनें ही ले सकती हैं। मध्य प्रदेश की गरीब बहनें लाडली बहना योजना इसके पात्र होंगी। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की सभी लाडली बहनें इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार योजना शिवराज सरकार ने शुरू की है और इस योजना के तहत आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको आवेदन करने के लिए 8 मार्च से इसके आवेदन शुरू होंगे। चयनित उम्मीदवारों को जून महीने से उनके बैंक खाते में 1000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी इसका सिर्फ घोषणा की है। MP लाडली बहना योजना के लिए कोई भी आधिकारिक वेबसाइट या ऑनलाइन आवेदन का विकल्प उपलब्ध नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये योजना बनी है।